के पुलिस मुर्दाबाद। अरे चलो चलो दोस्तों, 16 किलोमीटर ट्रैकिंग लिखा हुआ है और आपको मैंने दिखाई दिया था लास्ट वीडियो में कि मैंने कितनी ज्यादा चढ़ाई है वो की थी। तो वॉच के अकॉर्डिंग लगभग 22 किलोमीटर की चढ़ाई कर फाइनली पहले दिन दर्शन करने के लिए मैं पहुंच गया हूं केदारनाथ वैली में। और आप देख सकते हैं चारों ही तरफ कितनी ज्यादा बर्फ है और ठंड भी बहुत ज्यादा इस समय हो रही है। खैर, बड़ी बात मुझे ये लगी कि इतनी ठंड में भी इतने ज्यादा लोग आए हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भोले बाबा का कितना क्रेज है। खैर, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ राइट लाइन पर। तो ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं ऊपर भोले भैरव बाबा के लिए चला जाता है, और लेफ्ट में आप ये जो देख रहे हैं ना, ये लगी हुई है दर्शन के लिए लाइन, क्योंकि अभी जो कपाट है वो नहीं खुले हैं और उसको ही देखने के लिए मैं पहुंच रहा हूँ मंदिर तक। तो आप देख सकते हैं लाइन कहाँ तक आ चुकी है, बिल्कुल ब्रिज तक आ चुकी है। और जो घाट पहले बनवा था वो तोड़ दिया गया है, पता नहीं अब वहां पर क्या नया बनेगा। तो इस वजह से लाइन कुछ इस तरीके से लग रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने ऊंचे ऊंचे बर्फ की चट्टाने हमें देखने को मिल रही हैं, जो कि नॉर्मली नहीं देखने को मिलता। मैं इतनी बार आ चुका हूँ बट आज तक मुझे इतनी ज्यादा जो स्नो है वो नहीं देखने को मिली। तो ये सबसे खतरनाक बात लगी, और इसी वजह से यहाँ पर जो ठंड थी ना वो बहुत ही ज्यादा थी। तो मैं आपको अभी भी सजेस्ट करूंगा, अगर आप जाने का प्लान कर रहे हो तो गर्म कपड़े अच्छे मात्रा में लेकर जाएं, क्योंकि अभी भी जो ठंड है वो बहुत ज्यादा है और स्नोफॉल भी हो रहा है। खैर, अभी चलते हैं मंदिर के पास, क्योंकि मंदिर इस बार भी पिछले साल की तरह बहुत अच्छे से सजाया गया है और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सुंदर ये लग रहा है। हालांकि इसकी खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ फर्स्ट डे को देखने के लिए कितनी ज्यादा भीड़ लगी पड़ी है और सब लोग अपने मोबाइल में लगे पड़े हैं। और ये मोमेंट मैं भी आपको कैप्चर करके दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं भी अपने फोन में लगा हुआ हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कितना ज्यादा सुंदर ये नज़ारा लग रहा है, साथ ही साथ जो नया घंटा प्लेस किया गया है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो अभी आप देखिएगा और उसके बाद में आपसे मैंने ऐसा देखा कभी अपनी जिंदगी में कि जो लोग दर्शन करने आए हैं उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात की जा रही है। और इससे अच्छा लम्हा क्या ही हो सकता है कि आप भोले बाबा के दर्शन करने आए हैं और आपका जो स्वागत है वो इस तरीके से किया जाए। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था और इसको कैप्चर किए बिना मैं कैसे रुक सकता था। तो सारे जो फूल थे वो बरसाए जा रहे थे, जितने भी भक्तजन लगे हुए थे लाइन में सबके ऊपर जो फूल थे वो बरसाए गए। और ये जो मोमेंट था वो रियल में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल था। चलो सब करो भाई, यूके पुलिस मुर्दाबाद। तो गाइस, मैं लग चुका हूँ अभी दर्शन की लाइन में और देखते हैं कितनी देर में दर्शन हो जाएंगे। बहुत ज्यादा टाइम हो गया, नाम मुझे बहुत ज्यादा दर्द कर रही है, पर कोई बात नहीं, थोड़ी ही देर की बात और है। और ये है सारा दर्द जायज है क्योंकि मंदिर केदारनाथ। तो बस थोड़ी देर में पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं और फिर मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा दूंगा कि यहाँ पर क्या थोड़ा अलग हो गया है पहले से। तो ये है भीमशिला जिसने पानी का बहाव काफी ज्यादा बदल दिया था, आपको पता ही है। ठीक है, अब चलते हैं मंदिर की दूसरी साइड में। मैंने आपको लाइन वाली साइड दिखा दी, अब दूसरी साइड वो दिखाता हूँ बस, फिर उसके बाद इसको खत्म करते हैं। और गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कितनी ज्यादा स्नो है पीछे के एरिया में। और इधर ही आपको बताइए आदि शंकराचार्य की मूर्ति है जो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। खैर, अब चलते हैं
ठीक है। इधर देखो आप कितनी भीड़ है। और गाइस मंदिर के पीछे भी काफी ज्यादा बर्फ थी पड़ी हुई, जो कि काफी ज्यादा ठोस हो चुकी थी, इसलिए वो हटाए नहीं सके। खैर भीड़ बहुत ज्यादा थी फर्स्ट डे को देखते हुए भी, बहुत ज्यादा क्रेज हमें देखने को मिला कि फर्स्ट डे पर भी इतने ज्यादा लोग आए हुए थे। हालांकि मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो गए थे तो इतना तो इनको भी पता था कि जब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और इतने लोगों ने कराए हैं तो वो आएंगे ही, तो उस हिसाब से इनको मैनेजमेंट करना चाहिए था। इसलिए ही जो दर्शन थे ना वो बहुत ज्यादा समय में हो रहे थे, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। और मंदिर के बराबर में एक और छोटा सा मंदिर बन रहा है, ये क्या है मुझे शायद नहीं पता, तो अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर इन्फॉर्म करना। तो इस वजह से मैनेजमेंट सही नहीं होने की वजह से जो दर्शन थे वो करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है VIP दर्शन के लिए लाइन। तो आप समझ सकते हैं मतलब VIP दर्शन के लिए जो एग्जिट है, यहाँ से आप जानते हैं एग्जिट होता है, उस एग्जिट को पूरा बंद कर रखा है और यहाँ पे लोग लाइन लगा के लगे हुए हैं और VIP दर्शन के लिए पर्ची नहीं कटवा रहे, वो डायरेक्ट पुलिस वाले के हाथ में 500 रुपये रख रहे हैं और अंदर जा रहे हैं, जो कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। उनको एक पर्ची कटती है आप जानते हैं वो कटवानी चाहिए, जिससे जो पैसा है वो मंदिर के विकास में जाए, ना कि किसी और की जेब में जाए। तो आपका क्या मानना है इसके बारे में मुझे जरूर बताना है। खैर ये मैंने खुद अपने आंखों से होता हुआ देखा, जो कि मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। और मंदिर को कितना अच्छे से सजाया गया है और अंदर उत्तराखंड के CM तो अंदर VIP दर्शन उनके हो रहे हैं और बाकी नॉर्मल दर्शन में इसलिए ही बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लगा है दर्शन में, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डे है इस वजह से। और भीड़ आप देख सकते हो कितनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा भीड़ लगा है। तो मेरे दर्शन हो चुके हैं और मैं नीचे निकलूंगा। तो भाई आप मेरे पीछे देख सकते हो, तो ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है, आपको सब कुछ पता लग गया होगा। बहुत जल्दी इसको मैं अपलोड करने पर शायद कल तक ही आ जाएगी, आज 25 और कल 26 में आपको देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में नहीं मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय मोदी। दोस्तों भोले बाबा के दर्शन के बाद में दर्शन कर लीजिए भैरव बाबा के, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोले की।